हेलो एवरीवन वेलकम टू सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी वो खुशखबरी क्या है कि एक सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड द्वारा एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हुई है मतलब बहुत ही वैकेंसी देखने को मिली है जो कि क्या रहता है बच्चों को अधिकांशता वैकेंसी का रहता है इंतजार वो इंतजार आप आपका क्या हुआ खत्म ठीक है तो क्या आई हुई है सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स की बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है किसके द्वारा आई हुए हैं नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड द्वारा सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स की बहुत ही अच्छी एंड बम्पर वैकेंसी देखने को मिली है जिसका की नोटिफिकेशंस आ चुका है ठीक है तो अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि आपके लिए कोई भी नई वैकेंसी मिलती है तो सबसे पहले आपको सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट द्वारा जानकारी प्रदान की जाती है ठीक है तो देखते हैं हम इसमें कि जो आपका सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स की जॉब निकली है इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहेगा इसकी फीस कितनी रहेगी ठीक है इसमें एग्जाम कितने होंगे इसमें नेगेटिव मार्किंग कैसी होगी? इसका सिलेबस क्या होगा? तो हम एक पॉइंट पॉइंट टू डिस्कस करते हुए चलेंगे तो देखते हैं क्या क्या है इसमें ठीक है तो क्या वैकेंसी आई है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड द्वारा सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स बी की ग्रुप बी की जॉब देखने को मिली है देखते हैं इसमें है क्या ठीक है पॉइंट टू पॉइंट देखते हुए चलेंगे देखते हैं क्या है इसमें तो पहला इसमें क्या है कि कैंडिडेट्स अप्लाई अप्लाई फॉर द एवर पोस्ट ट्राउट ऑनलाइन मोड क्या भर सकता है जो भी स्टूडेंट इसका फॉर्म ऑनलाइन मोड भर सकता है क्योंकि इसमें ऑफलाइन मोड फॉर्म नहीं भरे जाएंगे ठीक है और इसमें क्या है ऑनलाइन ऑन द एप्लीकेशन इज टू बी द सबमिटेड बाय द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट जो भी स्टूडेंट है वो ऑनलाइन ही इसके क्या कर सकता है फॉर्म को सबमिट कर सकता है देखते हैं आगे कैसा फॉर्म रहेगा तो इसका फॉर्म क्या रहेगा ऑनलाइन मोड देखने को मिलेगा आप ऑफलाइन इसका फॉर्म नहीं भर सकते देखो इसमें नम द पोस्ट का नाम क्या है सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स किसकी है ग्रुप बी की जॉब है इसका पे स्किल्स रहेगा पे स्किल्स क्या रहेगा जो बच्चों को बेसखबरी से इंतजार रहता है कि सर सैलरी कितनी मिलेगी तो इसकी सैलरी बहुत अच्छी सैलरी है तो लेवल सिक्स के अनुसार कितनी है पैंतीस हजार चार से एक लाख बारह हजार चार सौ तक इसकी सैलरी देखने को मिलेगी ठीक है और इसमें क्या है देखो नीचे बात कर लेते हैं देखो इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं 16 दिसंबर 2023 से 5 जनवरी 2024 तक भरे जाएंगे जो इसके जाएंगे फॉर्म है कब से भरे जाएंगे 16 दिसंबर मतलब आज से स्टार्ट हो गए हैं ठीक है कब तक भरे जाएंगे 5 जनवरी 2024 तक भरे जाएंगे कितने टाइम तक शाम को पांच बजे तक इसके फॉर्म भर सकते हैं कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं सोलह ंबर से पांच जनवरी तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे ठीक है इसका बात कर लेते हैं क्या क्या अप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं तो अपलीकेशन फीस में क्या है यदि कोई भी बच्चा एस या एस का है तो उसके लिए पांच सौ रुपए फीस है यदि कोई बच्चा जनरल है या ओ का है या ई का है तो उसके लिए फीस कितनी है एक हजार रुपए है यदि पीडब्ल्यू का है तो उसके लिए किसी प्रकार की फीस नहीं है बात करते हैं आगे आगे क्या है यदि आपके फॉर्म में किसी प्रकार की गलती हो जाती है ठीक है <coughs> Thank <laughs> you. जो आपका अप्लीकेशन फॉर्म है यदि उसमें किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो कब करेक्शन कर सकते हो छह से आठ जनवरी तक आप उसमें करेक्शंस कर सकते हो देखो एग्जाम फॉर्म सोलह से पांच जनवरी तक भरे जाना पांच जनवरी के बाद फॉर्म बंद हो जाएंगे उसके बाद छ से आठ जनवरी तक उसमें क्या कर सकते हो आप करेक्शंस कर सकते हो जो इसकी वेबसाइट है कौन सी वेबसाइट से भर सकते हो डब्ल्यू डब्ल्यू एन एच बी डॉट गवर्नमेंट इन इसकी सहायता से आप इसका क्या कर सकते हो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो जो कि कब से स्टार्ट हो गए हैं आज से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं देखते हैं आगे तो इसमें एग्जामिनेशन स्कीम्स क्या है इसमें दो स्टेज में एग्जाम होंगे इसके कितने स्टेज में दो स्टेज में एग्जाम देखने को मिलेंगे कितने स्टेज में दो स्टेज में स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड स्टेज फर्स्ट में क्या होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा ठीक है कंप्यूटर बेस्ड पेपर देखने को मिलेगा स्टेज सेकंड में क्या होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप मतलब रिटर्न टाइप पेपर होगा पहला क्या होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा स्टेज सेकंड में क्या होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जामिनेशन होगा रिटर्न टाइप और इसमें क्या कहा गया है जो बच्चा फर्स्ट स्टेज में पास हो जाएगा स्टेज फर्स्ट में जो पास हो जाएगा वही बच्चा सेकेंड स्टेज में पेपर देने को मिलेगा देखते हैं आगे और आगे इसमें क्या है अब वैकेंसी की बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी आई हुई है तो इसमें टोटल वैकेंसी 25 है ठीक है कितनी वैकेंसी है नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी कितनी है 25 है किसके किस किस के लिए कितनी है तो यू आर के लिए छह पोस्टे हैं ई डब्ल्यू एस के लिए दो पोस्टें हैं एस सी के लिए पांच पोस्टें हैं एस टी के लिए दो पोस्टें हैं और ओबीसी एन सी एल के लिए दस पोस्टें हैं ठीक है और एक ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के लिए कैटेगरी सी के लिए तीन पोस्टें हैं ठीक है तो ये हो गई पोस्टों की बात तो कितनी टोटल वो पोस्ट कितनी वैकेंसी निकली हुई है पच्चीस वैकेंसी निकली हुई है देखते हैं आगे और इसमें क्या है यहाँ हमारे काम का नहीं है यहां एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं तो कौन कौन से स्टूडेंट इसका फॉर्म भर सकते हैं तो देखो द कैंडिडेट्स मस्ट बी ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर कोई भी स्टूडेंट हो जो एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट हो यानी बीएससी हो या हॉर्टिकल्चर से ग्रेजुएट हो फूड टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएट हो या पोस्ट हार्वेस्टिंग से पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएट हो या एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट हो या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट हो या फूड साइंस से ग्रेजुएट हो किसी रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना अनिवार्य है किन-किन-किन से एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फूड टेक्नोलॉजी पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और फूड साइंस इन भी सब्जेक्ट से जो भी बच्चा है ग्रेजुएट है तो वह इसका क्या कर सकता है फॉर्म भर सकता है ठीक है देखते हैं आगे आगे इसमें और क्या है एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो इसमें एज लिमिट क्या है कि कोई भी स्टूडेंट है जो भी भरना इस फॉर्म को भर रहा है उसकी एज कब होनी चाहिए जो हमारी लास्ट एज लास्ट डेट है पांच जनवरी क्या है जो लास्ट डेट है हमारी पांच जनवरी उस समय तक वह तीस वर्ष का होना चाहिए यदि इससे ज्यादा है तो वह क्या कर सकता है इसका अप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकता है. तो एज कितनी होनी चाहिए तीस ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जो तीस ईयर से कम वाले एज वाले हैं, वह क्या कर सकते हैं इसका फॉर्म भर सकते हैं ठीक है और क्या है एज रिलैक्सेशन की बात है तो जो एस टी वाले हैं उनकी पांच वर्ष की छूट दी जाएगी यदि आप कार्ड बनवा लेते हैं यदि ओबीसी एन एन सी एल एफ टू ओबीसी एन सी एल वाले हैं तो उनके लिए तीन वर्ष का रिलैक्सेशन मिलेगा यदि आप क्या बनवा लेते हैं रिलैक्सेशन कार्ड बनवा लेते हैं ठीक है अब देखते हैं आगे आगे क्या बचा हमारा अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की कि कितने नंबर का पेपर होगा नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी तो देखो क्या है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो स्टेज फर्स्ट है वो एमसीक्यू टाइप होगा मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कितने समय का रहेगा दो हावर्स का टाइम रहेगा दो घंटे का टाइम रहेगा कितने क्वेश्चन होंगे 150 क्वेश्चन होंगे और कितने का नंबर का होगा 150 नंबर का होगा प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का होगा इसमें पचास को एक क्वेश्चन रहेंगे वन वन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और वन मार्क्स के रहेंगे ठीक है अब स्टेज सेकंड में यह डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहेगा यह भी दो घंटे का होगा इसमें कितने क्वेश्चन होंगे सौ क्वेश्चन होंगे सॉरी सौ नंबर का पेपर होगा क्या होगा सौ नंबर का पेपर होगा जो भी हमारा डिस्क्रिप्टिव टाइप है वह कितने नंबर का होगा सौ नंबर का होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप है वह कितने नंबर का होगा एक नंबर का होगा टोटल मार्क्स की बात करें तो टोटल मार्क्स हमारे कितने होंगे ढाई सौ नंबर होंगे ठीक है टू हंड्रेड फिफ्टी नंबर का होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग तो क्वेश्चंस स्टेज फर्स्ट सेल मार्क्स। जो स्टेज फर्स्ट है उसका प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का होगा और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है जिसमें लड़का क्या होता है डरता है तो इसमें क्या है कि इसमें किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है बच्चा अधिकांशता एग्जाम देने में क्या करता है डरता है कि नेगेटिव मार्किंग है तो इसमें किसी भी प्रकार की क्या है नेगेटिव मार्किंग नहीं है ठीक है देखते हैं और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी वन अनुपात टेन के रेशियो में मतलब स्टेज फर्स्ट में कितने एक, एक अनुपात दस के रूप में यदि एक जॉब है तो दस लड़के सिलेक्ट किए जाएंगे तो यदि पच्चीस लड़के हैं तो दस का गुणा कर दो तो फर्स्ट स्टेज में कम से कम ढाई सौ बच्चों का सिलेक्शन होगा फिर जाके सेकेंड राउंड देंगे सेकेंड स्टेज देने के बाद कितने लड़कों का सिलेक्शन होगा पच्चीस लड़कों का सिलेक्शन होगा ठीक है देखते हैं आगे ये तो बात हो गई एग्जामिनेशन की अब सिलेबस की बात कर लेते हैं तो स्टेज फर्स्ट में कौन कौन सा सिलेबस होगा देखो क्या क्या पढ़ने को, क्या पढ़ना है हमें उसमें तो स्टेज फर्स्ट में क्या क्या पढ़ना है स्टेज फर्स्ट में एमसीक्यू बेस रहेगा तो पहले नंबर पे हमें हॉर्टिकल्चर पढ़ना है हॉर्टिकल्चर कितने नंबर का रहेगा सौ नंबर सौ क्वेश्चन मिलेंगे कितने नंबर का रहेगा सौ नंबर का रहेगा जो हॉर्टिकल्चर है कितने नंबर कितने क्वेश्चन रहेंगे साठ क्वेश्चन रहेंगे कितने नंबर का रहेगा साठ नंबर का रहेगा जो जनरल स्टडीज है वह कितने क्वेश्चन रहेंगे तीस क्वेश्चन रहेंगे कितने नंबर का रहेगा तीस नंबर का रहेगा जो इंग्लिश कंप्रेंशन है वह कितने क्वेश्चन रहेंगे तीस क्वेश्चन रहेंगे कितने नंबर का रहेगा तीस नंबर का रहेगा जो क्वान्टिट्यू एप्टीट्यूड है एंड मेंटल एबिलिटी है वह कितने का रहेगा तीस नंबर तीस क्वेश्चन रहेंगे कितने नंबर नंबर के 30, 30 के रहेंगे टोटल कितने रहेंगे एक सौ पचास क्वेश्चन रहेंगे एक सौ पचास नंबर के ठीक है स्टेज सेकंड में डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा सौ क्वेश्चन रहेंगे दो हावर का टाइम रहेगा इसमें भी दो हावर का टाइम रहेगा तो अब डिस्क्रिप्टिव के सिलेबस की बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या होगा देखो सिलेबस में क्या क्या है देखो पहला हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर का सिलेबस दिया हुआ है जनरल स्टडीज में क्या क्या पूछा जाएगा वह दिया हुआ है इंग्लिश कॉम्फ्रेंस में क्या क्या पूछा जाएगा क्वान्टेटिव एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी में क्या क्या पूछा जाएगा वह भी दिया हुआ है अब स्टेज सेकेंड की सिलेबस की बात कर लेते हैं कि स्टेज सेकेंड में क्या क्या सिलेबस देखने को मिलेगा तो स्टेज में कौन कौन से टॉपिक रहेंगे तो देखो स्टेज सेकेंड में हमें हॉर्टिकल्चर एंड जनरल एग्रीकल्चर पढ़ना है जो सौ नंबर का हमारा क्वेश्चन पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप उसमें क्या क्या पढ़ना है हॉर्टिकल्चर एंड जनरल एग्रीकल्चर पढ़ना है तो ये उसके सिलेबस स्टेज सेकेंड के सिलेबस दिए हुए हैं क्या ये जनरल उसके सॉरी स्टेज सेकंड की क्या दिया हुआ है सिलेबस दिया हुआ है जैसे टॉपिक सॉरी ये क्या दिया हुआ है सिलेबस दिया हुआ है स्टेज सेकंड का जैसे ट्रॉपिकल एंड ड्राई लैंड फ्रूट प्रोडक्शन होगा दूसरा सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फूड प्रोडक्शन होगा यह इसका स्टेज सेकंड का सिलेबस है ठीक है तो हम अपने वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको क्या कर देंगे एड कर देंगे तो कोई भी स्टूडेंट है जो इसको डाउनलोड कर सकता है और देख सकता है ठीक है और क्या है इसमें बस आपके लिए इतना ही था इसमें यूजफुल ठीक है और जो भी अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ना चाहता है तो हम डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या कर देंगे इसको एड कर देंगे तो क्या कर सकता है इसको डाउनलोड कर सकता है सो ये बहुत ही अच्छी भर वैकेंसी देखने को मिली है तो स्टूडेंट क्या कर सकते हैं इसमें अप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट द्वारा एक तरीके से नए बैच स्टार्ट हुए हैं कॉम्पिटिशन्स के तो उसको क्या कर सकता है ज्वाइन कर सकता है सो so, मिलते हैं एक नई वैकेंसी के साथ तब के लिए थैंक यू बाय बाय